नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। प्रशासन ने पंचनामा बनाकर राजा के महल की ली सुपुर्दगी। ग्राम उदयपुर में राजा उदयादित्य महल प्रशासन ने किया सील। तहसीलदार तोजीराम अहिरवार के नेतृत्व में राजस्व अमले ने की कार्रवाई। महल में अवैध उत्खनन की जांच की जाएगी, दोषियों पर होगी कार्रवाई। तहसीलदार जी हां, ग्राम उदयपुर में राजा उदयादित्य के 10वीं शताब्दी के महल पर कुछ दिन पहले भोपाल निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया था। जब खबर मीडिया में आई तब स्थानीय प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन में नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार के नेतृत्व में राजस्व अमले ने राजा उदयादित्य के महल से निजी संपत्ति का बोर्ड हटाया था और महल को शासकीय संपत्ति बताया था। महल को कब्जा बताकर संबंधित से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहे थे, लेकिन जब संबंधित विवादित पक्ष पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया तब विगत 15 जनवरी को अवैध कब्जाधारी को बेदखली का आदेश जारी कर 7 दिनों में महल छोड़कर जाने को कहा। अन्यथा शक्ति से प्रशासन ने महल खाली कराने को कहा, लेकिन 7 दिन के पूर्व ही विवादित पक्ष ने प्रशासन को राजा के महल की चाबी सौंप दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस का अमला राजा के महल पहुंचकर पंचनामा बनाकर महल के अंदर बने कमरों एवं महल के मुख्य द्वार पर ताला डालकर महल को प्रशासन की सुपुर्दगी में ले लिया। वहीं तहसीलदार दोजीराम अहिरवार का कहना है कि जिन लोगों ने महल में अवैध उत्खनन किया है उनकी जाँच की जाएगी और उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए अमन चौबी की एक रिपोर्ट। चोरी तो ही है यहाँ से। बड़ा स्कैंडल है।